इस जिससे हमारी एक पहचान होती थी सफाई कर्मचारी या एक ऐसे बोलते थे गंदगी का काम करने वाला, उससे हमें निकलने का ये समय आ चुका है। इस समय हमें जैसे हम फॉरेनर कंट्री में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं कि सफाई हर आदमी का अपना अपनी सफाई करना अपना अधिकार है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ थोड़े से पैसे दे के अपनी गंदगी किसी भी दलित से या किसी भी गरीब व्यक्ति से उससे सफाई करा के और वो अपने आप को बहुत बड़ा रिच समझता, अपने आप को बहुत बड़ा है, लेकिन ये मानवाधिकार के खिलाफ है। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, हमें बाहर कंट्री से भी सीखना पड़ेगा, एजुकेटेड लोगों से सीखना पड़ेगा कि सचमुच सफाई सबका अधिकार है, सब अपने अपने घर की साफ। नमस्कार, असम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं असम न्यूज। आज हमारे साथ है संदीप कुमार बोध जी, जो कि बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इंडिया आज डिजिटल इंडिया बन चुका है, लोगों को लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, उसके बावजूद भी खबर आती है कि 10 लोग सेप्टिक टैंक में मारे गए या कई कर्मचारी सफाई करते वक्त मारे गए, लेकिन उसके बावजूद भी वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी का काम क्यों नहीं छोड़ता? और जी तो सबसे पहले मैं जय भीम, जय वाल्मीकि और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान जो हमारे आज भी हमें मौलिक अधिकार दिया है, हमारा हक है स्वतंत्र देश में रह के स्वतंत्र अपनी बात रखना। और जैसे आपका एक सवाल था कि आज भी हमारा जो वाल्मीकि समाज है, जो दलित है, वो आज भी गटर के अंदर बहुत तराई तराई हो रहा है, तो उसका सबसे जो मूल कारण मुझे नज़र आता है एजुकेशन है ना। जब हमारे जो अछूत, हमें अछूत रखा गया है समाज से, कोई भी जैसे कहते हैं हमारे इधर देहात के अंदर मतलब जो बड़े आदमियों उनकी तो बहू भी भाभी और हमारी बहू भी उनकी, ऐसे है ना एक कहावत है ना। तो सच में वो जो हमें शोषण करा जा रहा हमारा बाल स्तर पर है ना, बच्चों के स्तर पर जो हमारा शोषण होता है, उससे हमारा समाज कहीं ना कहीं उस कार्य को करने में मजबूर है। चाहत नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है कि वो गटर में काम करे या सिर्फ सफाई कर्मचारी का काम उसके कोई माथे पे नहीं लिख रहा, उसकी कोई किस्मत नहीं है ये, है ना। उसको क्या है, बालकपन से ही जहाँ भी वो नगर में रहता है, जिस भी शहर में रहता है, उसको ऐसे शोषित किया जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो मैं तो सीधा सीधा सरकार से भी ये जैसे कहूँगा, और बुद्धिजीवी जो हमारे समाज के हैं जो संघर्ष कर रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार, कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ें और आने वाले समय में हम ये अपने युवा को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए बहुत सारी चॉइसेस हैं, और सिर्फ एक एमसीडी नहीं है, एमसीडी के अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और हम अपनी एजुकेशन पे ध्यान देंगे तो एजुकेशन के भाव पे हम बहुत कुछ इस देश में कर सकते हैं, और हमारे बहुत सारे युवा साथी आज की डेट में कर भी रहे हैं, और हमें इस जिससे हमारी एक पहचान होती थी सफाई कर्मचारी या एक ऐसे बोलते थे गंदगी का काम करने वाला, उससे हमें निकलने का ये समय आ चुका है। इस समय हमें जैसे हम फॉरेनर कंट्री में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं कि सफाई हर आदमी का अपनी सफाई करना अपना अधिकार है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ थोड़े से पैसे दे के अपनी गंदगी किसी भी दलित से या किसी भी गरीब व्यक्ति से उससे सफाई करा के और वो अपने आप को बहुत बड़ा रिच समझता, अपने आप को बहुत बड़ा है, लेकिन ये मानवाधिकार के खिलाफ है। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, हमें बाहर कंट्री से भी सीखना पड़ेगा, एजुकेटेड लोगों से सीखना पड़ेगा कि सचमुच सफाई सबका अधिकार है, सब अपने अपने घर की साफ सफाई रखें, स्वस्थ बनाएं अपने देश को भी, अपने शरीर को भी, और हेल्थी बनाए रखें। और सच में समाज से भी मैं तो यही दरख्वास्त करूँगा, जो भी मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कि वो एजुकेशन पे ध्यान रखें, और जो भी कुछ उनको प्रॉब्लम्स होती है एजुकेशन के भाव पे, तो अपने बुद्धिजीवी जो समाज के हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद से उस एजुकेशन को हम हेल्प करें, और जो भी सरकार से मदद होती है उसका हम पूरा इस्तेमाल करें। जैसे हमें आरक्षण का जो लाभ मिला हुआ है, उस आरक्षण को भी हम इस्तेमाल करें। मैं जानता हूँ जिस समाज से मैं आता हूँ
पहले के समय में तो बिल्कुल भी हमारे नाम का जो आरक्षण का था उसका कोई भी व्यक्ति इतना फ़ायदा नहीं उठाता था। मुश्किल से 5% लोग प्राइवेट स्कूल के तरफ भागते थे, क्योंकि उसके पीछे एक मूलभूत कारण ये था उनकी इनकम जो थी वो इतनी नहीं होती कि ठीक है स्कूल तो कोटे के तहत एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उसका जो खर्चा है एनुअल जो खर्चा है उसको वो एक मिडल आदमी, जो गरीब आदमी है, जो समाज का आदमी है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता, इसलिए वो छोड़ता है, छोड़ो, है ना। लेकिन आज समय बदल रहा है, आज हमें एजुकेशन चाहिए, हमारे आने वाले युवा और समाज को आगे तक लेके जाना है और अपने समाज के हित के लिए हम ये कार्य के लिए तैयार हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।